अंगारूप एव वन्नौ किं वन्निता न तो ज्वलन संतपनादि क्रिया विशिष्टे। हम पूछते हैं पूर्व पक्षी से, भाई अंगार रूपा वन्नी में ही क्या वन्यता रहती है और विशिष्ट रूप धारण कर ले, ज्वलन रूप हो जाए, संतपन आदि क्रियाओं का रूप धारण कर लिया जाए, विशिष्ट रूप धारण कर ले, क्या उसे वन्यता नहीं रहेगी? अच्छा तत्र वन्नीर एवं, इसलिए वहां जिस प्रकार तत्र मने ज्वलन क्रिया विशिष्टे भी वन्नीर, एक नंबर टिप्पण, ज्वलन क्रिया विशिष्ट में भी जिस प्रकार से वन्नी मानते हो, एवं शिवोपी तद्भाव भेद आविष्टोपी शिव एव, इसी प्रकार शांत रूप में भी जैसा शिव है और भाव भेदों से आविष्ट हो जाए, है ना, संसार रूपेण भेद रूपेण प्रस्तुत हो गया, उल्लसित हुआ है, उस भेद विशिष्ट अवस्था में भी वह शिव ही है। क्रियावस्था मुखे नैतत् कथितम्, पहला पक्ष यह है जो क्रियावस्था का ध्यान में रखते हुए पहली प्रक्रिया कह दी गई। अब दूसरी, अथ सक्रिय शक्ति संभवात शिवतास्तो, पूर्व पक्ष कह सकता है सक्रिय दशा में शक्ति अनुभव में आता है इसलिए उस समय में शिवता मानी जाएगी, लेकिन शांतता तो निष्क्रिय, शांत अवस्था में क्रिया तो है नहीं, निष्क्रिय है, इस निष्क्रिय अवस्था में शक्ति का अभाव होने से हम उसे शिव नहीं मानेंगे, शव मानेंगे। नीचे टिप्पण देखिए, यदुक्तम शांते भी शिवत्तम स्थूले भी शिवत्तम तेन नात्र निमित्त कलाना, 55वें श्लोक में कहा था यदुक्तम इति शांतत्व शिवत्तम उत्पुंसयितुम आह, अब उसी शांत अवस्था में भी शिवत्व है, वह शवत्व उसमें नहीं है, इस बात को सिद्ध करने के लिए निमित्त उपादानात्म शांत तत्व इत्यादि से मूल में आरंभ हुआ। शांत तत्व निष्क्रिया, जय ज्ञान रहिता, ज्ञेय भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, निष्क्रिय है, ना ज्ञान निष्कल भी है, निष्ज्ञान भी है, ज्ञान भी नहीं है वहां, कार्य अकरणा, क्यों कोई कार्य कर नहीं रहा है उस समय में, वो चिकीर्षा लक्षण इच्छा शून्य च, करने की इच्छा भी नहीं है वहां, चिकीर्षा रूपा जो इच्छा थी वो भी नहीं है, तेना न शिव, इसलिए शिव ही नहीं है। नैवम शक्यते वक्तुम कदाचन सर्वदा भवन क्रिया विरहात्, एवं वक्तुम न शक्यते, ऐसा कहना बिल्कुल संभव नहीं कभी भी, सर्वदा भवन क्रिया विरहात् अविरहात्, ऐसे पच्छेद करना, क्योंकि सदा ही भवन क्रिया का माने होने रूपी जो क्रिया, भवन में मकान नहीं लेना, भूधातु, होना रूपी जो क्रिया, अस्तित्व रूपी जो क्रिया है वो तो सदा ही रहता, कभी उसका अभाव होता ही नहीं, भवन क्रिया अविरहात् ऐसे पच्छेद करना, कि शांत अवस्था में भी अस्तित्व क्रिया है, शांत शिव है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, सक्रिय शिव है, निष्क्रिय शिव है, और है तो कहां छूट रहा है, वो तो सदा रहेगा, वो है का अभाव कभी होता है क्या? कभी नहीं होता, सत्ता का अभाव कभी नहीं हो सकता। स्थूल क्रिया विरह है, वही समझा रहे, स्थूल क्रिया के विरह में भी शांत अवस्था यदि शिव स्थित अभ्युगम्यते, शांत अवस्था में यदि आप कहते हो शिव है ऐसा स्वीकार करते हो, फिर तद अस्ति स्थितः, उसकी अस्तित्व की स्थिति को आपको मानना पड़ेगा, इति एषा भावस्थानादि रूपा क्रिया किम न भवति, उसकी भाव और स्थिति आदि रूपा क्रिया को क्यों नहीं मानोगे, माने भवत्येव वह वो शांत काल में भी रहेगा ही। क्रिया च कर्तृ स्वरूप भूता, क्योंकि क्रिया क्या है, कर्ता से अलग हो सकता है क्या? क्रिया वास्तव में कर्ता से अलग कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं, कर्ता के अधीन है, नहीं आए का क्या बोलते हैं, गुण और क्रिया दोनों द्रव्य को छोड़ के स्वतंत्र नहीं रह सकते, द्रव्याधीन होते, इसलिए कर्तृ स्वरूप कह दिया, क्रिया हमेशा
कर्तृरूपा होती है, और कर्ता च स्वतंत्र चेतन एव, स्वतंत्र और चेतन होता है। स्वेच्छात प्रवृत्ति स्वातंत्र्यम यथा, क्योंकि स्वेच्छा पूर्वक ही प्रवृत्ति का स्वातंत्र उसमें देखा गया। ये तो अस्ति स्थित इत्यत्र भूषा तिष्ठासा लक्षण इच्छा अस्त्येव, जिसलिए कह रहे हो आप स्वयं अस्थि स्थित ओ शिव है और शांत रूपेण स्थित है। यदि ऐसा शब्दों को तुम प्रयोग कर रहे हो, इसका मतलब भूषा और तिष्ठासा होने की इच्छा और रहने की इच्छा, ये दोनों इच्छा रूप सामान्य इच्छाएं लक्षण इच्छा अस्ति। इसलिए उस समय ज्ञान भी है, क्रिया भी है, इच्छा, तीनों शक्ति शांत अवस्था में भी है। ज्ञान क्या है? मैं हूं, मैं स्थित हूं, ऐसा ज्ञान है। और कोई विशेष ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं। इस ज्ञान अनुरूप क्रिया भी है, सत्ता रूपी क्रिया है और स्थिति रूपा क्रिया है, आपके ज्ञान का विषय रूपेण भाषित हो रहा है। और एक और स्थिति और सत्ता, इन दोनों के इच्छा भी है। अतएव ज्ञान इच्छा क्रिया तीनों शक्तियां वहां विद्यमान है शांत अवस्था में, ये सिद्ध कर दिया इन्होंने। यावच्च तथा कर्तुम भवितुम स्थातुम व न जानाती तावत कम क्रिया भवति। और जब तक इस संसार में भी देखिए ना, आप किसी को ये व्यक्ति है ये कब बोलोगे? ये व्यक्ति है माने जिंदा है, ये कब व्यवहार होगा? जब वो करने में, होने में और स्थित रहने में समर्थ होगा। कर्तुम भवितुम स्थातुम वा यावत न जानत, इन तीनों में जब तो न ही रहेगा तावत किं क्रिया भवती। जब तक ये नहीं है तब तक वहां क्रिया क्या मानोगे आप? वो जिंदा ही भी नहीं कह सकते, मरा भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकोगे आप, ऐसे जड़ीभूत हो जाएगा। इसलिए भवति इत्यादि तिंगंत निर्देश, इसलिए इन सब जगहों में भवति जो कहा जा रहा है, भवनम इत्यादि, ये तिंगंत निर्देश समझना, माने भाव निर्देश है, क्रियापरक है। तस्मात् ज्ञातव्यं यदुत न इच्छादि शक्ति रहिता काचन स्थिति कस्यचिद् अस्ति। इसीलिए किसी के अंदर भी ऐसा कोई स्थिति जिसमें इच्छा ज्ञान और क्रिया शक्ति रहित हो, ऐसा कोई भी वस्तु को जानने योग्य इस संसार में है ही नहीं। कि जिसे भी हम जान रहे हैं, मैं हूं यदि अपने आप को भी जान रहे हैं, उसमें तीनों जरूर होगा, ज्ञान इच्छा और स्थिति। इन तीन क्रियाओं के बिना, तीन शक्तियों के बिना किसी की भी अस्तित्व आदि कथन भी संभव नहीं है। इसलिए ऐसा कोई चीज नहीं है, कह दिया काचन स्थिति कस्यचित अपि, किसी भी का भी ऐसा कोई भी स्थिति न ज्ञातव्यम, कभी भी नहीं जाना जा सकता जिसमें इच्छा शक्ति रहित हो, इच्छा आदि शक्तियां से रहित हो, ऐसा कोई अवस्था स्थिति को ही नहीं जान सकता। तस्मा इच्छा आदि शक्तिमत्ता च शिवत, क्योंकि इच्छा आदि शक्तिमत्ता का दूसरा नाम है शिवता। शिव है का मतलब इच्छा आदि शक्ति त्रय भी है। इसे रहित कोई अवस्था शिव में तुम खोजो, नहीं मिलेगा। इसे जो भी अवस्था तुम कहोगे, शांत अवस्था, संसार जगत अवस्था, संसार अवस्था, कुछ भी आपको सृष्टि स्थिति लय वगैरह कोई अवस्था कहोगे, उन सकल अवस्थाओं में शक्ति त्रय के बिना केवल शिव, और शिव के बिना ये शक्ति त्रय केवल कुछ कर रहा हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कि शक्ति त्रय से अभिन्न शिव ही ये सभी अवस्थाओं में अनुसूतुर्व्याप्त। विशिष्ट को ही मानते हैं अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत हो गए ना, तरह से शक्तित्व विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट इसलिए मैं ही मानेंगे, ये अद्वैत कह रहे थे, विशिष्ट अद्वैत क्यों नहीं कहते? क्योंकि शक्ति से विशिष्ट शिव नहीं है, शक्ति से अभिन्न शिव कहते हैं। चला शक्ति से अभिन्न शिव है, तादर शिव एक है, इसे शिव अद्वैत हो गया। घटो अस्थि अति हो गया ना, सकार जोड़ो, घटो अस्थि
हिमालयो अस्ति जगत अस्ति इति च यथा नादिक्यम शिवताया करोति तथा ईश्वर प्रति भी ज्ञान विचारितम। यदि कोई कहे लेकिन फिर ये क्यों व्यवहार हो रहा है, घटो अस्ति हिमालयो अस्ति जगत अस्ति, अस्ति से अलग कुछ अधिक ही तो बोल रहे हो आप। ठीक है, अस्ति यदि शिव है, अस्ति से अधिक जो हो रहा है वो तो जगत है, उसका निमित्त बताना पड़ेगा। कहते नहीं है, इस विषय में हमने बता रहे ईश्वर प्रतिविज्ञा नामक ग्रंथ विचार करके बता दिया, शिवता से अधिक या इसमें भी कुछ भी नहीं है। नादि केम शिवताया करोति तथा ईश्वर प्रतिविज्ञा विचारित। फिर भेद सुनो उसके बारे में, अत चित्रमत्रास्ति भावपुंजे न तच्छिवे शिव से तत्स्वरूपत्तम वैचित्र्यम यत् परस्परम अपेक्ष भाव वैचित्र्यम तस्य तेभ्यो विचित्रता सर्वं शिवात्मकं यद्वत् कथनीयम् इहाग्रतः। अद चित्रतम अत्र अस्ति भावपुंजे न तच्छिवे, अतः वास्तव में भेद ये जो वैचित्रता कहाँ है, कदे भावपुंजे चित्रत्वम अस्ति। भाव जो जगत व्यवहार घटपट आदि इनमें ही वैचित्रता, इनमें भेद है भले न तच्छिवे, और वैचित्रता व भेद वास्तव में शिव में नहीं है। फिर कैसा हो गया ये सब भेद, कदे शिव ही भेद रूप में भाषित होता है। शिवस्य तत्स्वरूपत्वम यत् परस्परम वैचित्र्यम, जो घटपटाली में परस्पर वैचित्र देख रहे हो यह भेद शिव का स्वरूप ही है, शिव के स्वरूप से अलग नहीं। जैसे वेदांत कहते हैं ब्रह्म रूप अधिष्ठान से स्वतंत्र अलग कुछ नहीं, कपड़े से छोड़ के अलग कोई चित्र स्वतंत्र नहीं है। भेद चित्रगत परस्पर भेद हो, चित्रपट भेद हो, ये सारी चीजें चित्र से अलग नहीं है। इसे पट में है ऐसे मत कहो, पट में चित्र है ये गलत है, ये चित्र में पट अनुसूत कण कण में ये भी गलत है। ये कौन एक दूसरे का अधिकरण आधार आधे भाव है ही नहीं, कि वास्तव पट की सत्ता के बिना चित्र कोई सत्ता ही नहीं, तो आधार आधे भाव कैसे होगा दो के बीच में। इसी तरह से यह भेद जगत रूपा जो भेद है और शिव है, ये आधार आधे भाव से दो एक दूसरे में नहीं है। भावपुंज में भी जो परस्पर भेद दिख रहा है वह भी शिव ही उस रूप में भाषित हो रहा है। फिर ये कैसे आ गया, कदे भाव वैचित्रम अपेक्षा तस्य तेभ्यो विचित्रता, मन उन घटपटादियों का वैचित्र की अपेक्षा करते हुए भावानाम वैचित्र्यम अपेक्षा, भाव को नहीं घटपटादि उनकी वैचित्र को अपेक्षा करते हुए उस शिव के अंदर भी तेभ्य उन्हीं घटपटादियों की वजह से ही विचित्रता भाषित होता है। यदि आप घटादि को महत्व दे रहे हो आपको शिव में घटादि भेद दिखेगा, और घटादि का महत्व छोड़ दो तो शिव अद्वैत रूप में भाषित हो जाए। सर्वम शिवात्मकम, क्योंकि सर्वम शिवात्मकम, यद्वत जिस प्रकार से बात सिद्ध होता है उस बात को यह इसी ग्रंथ में अग्रत आगे जा करके कथनीयम कहूंगा, कहना चाहिए और कहेंगे। अथात्र भावानाम, अथम अत्र अथात्र को इकट्ठा ले लिया, अथात्र भावानाम परस्पर तो वैचित्र्यम दृश्यते है, भावों का परस्पर वैचित्र देखने को मिलता है। तच्छिवे चिदेक रूपे कथम संभवेत, न तच्छिवे ना उसको कह दिया, वह चिदेक रूप जो है शिव में कैसे हो सकता है, मैंने नहीं हो सकता है। तत्रापि, और जहाँ भी वैचित्र दिख रहा है वहाँ पर वास्तव में शिव सेव तद विचित्र स्वरूपत्वम भावानाम अन्योन्य वैचित्र्यम, और भावों में जो परस्पर वैचित्र दिख रहा है वह शिव का ही विचित्र स्वरूपता है। वह शिव में कहाँ से विचित्र स्वरूपता आ गया, तेषांच घटपटादि नाम वैचित्रम अपेक्ष्य, उन्हीं घटपटादियों के वैचित्र की अपेक्षा करके हम तस्य तेभ्यः
तदवशात विचित्रता है ना, शिव के अंदर भी तदवशात एव तेभ्यम ने उन्हीं चित्रों की वजह से ही शिव में विचित्रता कही जाती है। जैसे आजकल आप दुकानों में जाइए, पर्दों के दुकान, पर्दा खरीदो है नहीं, वो एक के बाद एक कपड़ा फेंकते जा रहा है कि नहीं, अलग 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 चित्र बना हुआ रहता है। इन चित्रों की वजह से तो आप कपड़े में भेद कर रहे हो, कपड़ा तो कपड़ा है, कपड़ा तो कपड़ा, वो भी कपड़े भी कपड़ा, एक ही क्वालिटी के कपड़े पे अलग अलग चित्र छपा हुआ है। हो गए जाने, ये चित्र का इतना रुपया, ये चित्र वाला ये रूप इतना रुपया, अलग अलग कपड़े का रेट लगा देते, कपड़ा तो वही है, उसका प्रिंट जो किया है उसका महत्व है, किसमें किस प्रकार की स्याही लगी, कितनी लगी, कोई ऐसा बड़ा बड़े चित्र फूल सा बना दिया, इतना लंबा जोड़ा है, इसमें क्या लगा, बहुत चित्र बनाने हैं, अलग रंग बिरंग बहुत लगना है, उसी हिसाब से उसका रेट बदलते जाते हैं, कपड़ा तो वही है। चित्र दृष्टिया देखेंगे तो भेद आ गया, वस्त्र दृष्टिया पट दृष्टिया देखोगे तो भेद नहीं, उसी प्रकार इसलिए पट में भी जो विचित्रता वर्ण व्यवहार कर दिया, इसके वो इस पर इस पर्दे से वो पर्दा ज्यादा अच्छा है, इस प्रकार जो वैचित्र जो पर्दों में व्यवहार हो रहा है वो भी चित्रों की वजह से ही होता है, कपड़े के वजह से नहीं है। चिदेक रूपस्यापि सतहा, कि चिदेक रूप होने के बावजूद भी उसमें शिव में भी इस प्रकार भेद व्यवहार हो जाएगा। अतएव निष्कर्ष निकला सर्वम चित स्वरूपत्वेन शिव से, जो कुछ भी है जगत हम देख रहे हैं, शिव स्वरूप दृष्टिया विचार करके देखोगे तो, चैतन्य स्वरूप दृष्टिया विचार करके देखोगे तो सब शिव ही है। यथा न्यायानुसारेण तथा अग्रतो वक्षते यद्वत, थी ना यद्वत को यथा कर दी, यथा को यथ करके छपी, यहां यथ को काटो तो को था बनाओ, यथा जिस प्रकार न्यायानुसारेण यह बात सिद्ध होगी, मन युक्ति के आधार पर भी सिद्ध कर सकेंगे हम उस बात को, तथा अग्र तो वक्षते आगे जरूर विस्तार पूर्ण वर्णन करेंगे। और भी दृष्टांतों समाज समझाना चाहते हैं, क्रिया को लेकर अवस्था भेद होने मात्र से वस्तु भेद नहीं होता। पहले जलाहरण से शक्त था, उसको देकर आपने घड़ा कह दिया आया, तो केवल घड़ा को आपने घड़ा कह दिया मान लो, ये केवल घड़े को ही घड़ा माना जाए, फिर जलहरण क्रिया से युक्त घड़े को आप घड़ा नहीं कहोगे क्या, क्रिया युक्त होने मात्र से, केवल घड़ा को आपने घड़ा शब्द प्रयोग कर रहे हो, अच्छा आने ना आदि क्रिया युक्त हो गया तब क्या वो घड़ा संज्ञा वाला नहीं होगा। इसी प्रकार से शांत अवस्था वाले को शिव कहोगे और जगदात्म क्रियावस्था में उसको शिव नहीं कहोगे क्या, शिव ही मानना पड़ेगा उस अवस्था। ये युक्ति दे रहे, जलाहरण शक्तश्च घटो यदि न भण्यते घट केवलम एवात्र तदेवं विधम उच्यताम, कहते हैं देखिए देखो, यदि केवले एव घटः केवल अवस्था में ही घट संज्ञा प्रयोग होता है और जलहारण शक्तश्च और जलहारण से युक्त जब हो जाए वह घटो न भण्यते उसे घट नाम से नहीं कहूंगा, ऐसा यदि होवे इस संसार में तो हम मान लेंगे प्रशांत अवस्था में ही शिव है, जगत अवस्था में वो शिव नहीं कहूंगा उसे, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता ना, केवल घट को ही घट कहूंगा और जलयुक्त घट को घट नहीं कहूंगा, ऐसा व्यवहार जैसा नहीं होता, इसी पर शांत अवस्था में शिव है सक्रिय अवस्था में शिव नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, सक्रिय अवस्था में भी वो शिव ही है। इसलिए इसका पूरे तात्पर्य है निष्क्रिय सक्रिय दोनों ही अवस्थाओं में भेद दृष्टि अनुचित, भेद काल में भी भेद दृष्टि अनुभव होने पर भी उस भेद दृष्टि को सत्य मानना उचित है, किंतु दोनों ही अवस्था वास्तव में शिव ही भाषित हो रहा है।
यह अभिप्राय। यदि चात्र जगत, यदि मान लो इस जगत में उदक आहरण शक्तो घटो न उच्चते, उदक आहरण से युक्त घट को घट न कहा जाए अपितु केवल केवल कोई कह जाए, तत्क्रिया आवेश शून्य, केवल का मतलब क्या, क्रिया आवेश शून्य, उसी को ही घट कहोगे, निष्क्रिय घट को ही घट कहा जाएगा और सक्रिय को घट नहीं कहा जाएगा। यदि ऐसा होता तदेतत् सदृश एवं, उसी की सादृश्यता को लेकर हम कह रहे हैं केवल एव शिव न जगत रूप इत्येतत् अपि उच्चताम, केवल मान निष्क्रिय अवस्था में ही शिव संज्ञा रखो और जगत जागर जगत रूपा सक्रिय अवस्था को शिव मत कहो, आप हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन दुनिया में ऐसे व्यवहार कर रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई हमें आपत्ति नहीं करे, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता ना। दुनिया में तो पानी युक्त हो, जल आहरण युक्त हो, सक्रिय घट हो तो भी घट नाम से कहा जाएगा, निष्क्रिय घट हो तो भी घट नाम से कहा जाएगा, दोनों अवस्था में घट संज्ञा निवृत्त नहीं होता यथा। इसलिए यहाँ पर भी जगत अवस्था या जगत रहित अवस्था दोनों अवस्था में शिव संज्ञा निवृत्त नहीं होगा, शिव ही कहा जाएगा। यावता नैवम तत् सर्वदा शिव है, जब तक आप यह सिद्धांत को नहीं मानते हो मनुष्य पर घट में आप दोनों ही दशाओं में घटी संज्ञा प्रयोग करोगे, एक दशा में घट और दूसरी संज्ञा नहीं करूंगा ऐसा नहीं कहोगे नैवम, तब तो निश्चय कर लो सर्वदापि शिव एव, तीनों अवस्थाओं में शिव ही है मानना पड़ेगा, सभी अवस्थाओं में शिव ही है यह मानना पड़ेगा। इस प्रकार के से आपके छह दोषों को निवारण कर लिया, और सातवां दोष आरंभ कब है उसके लिए जो 26वें श्लोक में कहा था, नाना वादों के साथ अन्य दर्शनों के साथ आपका विरोध है, अन्य दर्शनों के साथ आपका विरोध है और स्वयुत स्वदर्शन के साथ ही विरोध है, कहा था वहां उसी श्लोक में। अब सिद्ध करेंगे नहीं, नाना वादों के साथ विरोध भी नहीं, अपने अन्य आचार्यों ने जो कहा हुआ उनके साथ भी कोई विरोध नहीं, उसके आरंभ करते हैं। नाना वादेर नो विरोध कथनीय आग्रदः उक्तं वा कालपादादौ आगोपालांगनादिना तदैक्यं खेटपालोपि प्राहय काचन स्थिता शक्ति पदार्थ जातस्य देवदेवस्य साख्यला शक्ति शक्तिमती रुक्ता सर्वत्र अभेदिता। रुक्ता होने चाहिए मुक्ता हो गया ना, शक्तिमती दीर्घी होना चाहिए मताम उक्ता हो गया है, मती रुक्ता बनाओ उसको, ती दीर्घी बनाओ आग और डंडी पे और मुंह को काट कर रू बनाओ रुक्ता। पहले प्रतिज्ञा कर दे रहे हैं नाना वादैर नो विरोधः, नो अंग्रेजी बोलती है देखो यहाँ नाना वादैर विरोधो ना संस्कृत है विरोधो नो विरोध नहीं है, नो एक अव्यय है व्याकरण में निषेध में, कहते हैं ऐसे कहने से थोड़ा हो जाएगा विरोध नहीं है सिद्ध करो, कहते यह अग्रद कथनीयम, इसी ग्रंथ में आगे जाकर इसी बातों को विस्तार करने जा रहे हैं हम। इतना ही नहीं हमारे पूर्वाचार्यों ने अनेक ग्रंथों में यह बात सिद्ध कर दिया है, उक्तम व कालपादादो कालपादादि ग्रंथों में यह बात कह दिया गया है, क्या कह दिया गया है आगोपालंगनादिना तदैक्यम, आगोपालंगना ग्वाल बाल की पत्नियां गोपियां, वृंदावन की नहीं यहां तात्पर्य, किसी भी गांव में गाय पालने वाले की पत्नियां गंवार औरत वो भी जानती हैं तदैक्यम, एक अद्वैत को वो भी अच्छी तरह से जानती हैं। इतना ही नहीं ऐसे कालपाल ग्रंथ में कहा, इतना ही नहीं बल्कि खेट पालो पी खेट पाल गुरु ने भी कहा है प्रा या काचन पदार्थ जातस्य स्थिता शक्ति ही, जो कोई भी पदार्थ समूह के अंदर शक्ति रूपणा में दिखाई दे रहा है
सा अखिला देवदेव से भवती, वह संपूर्ण शक्तियां देवादिदेव महादेव का ही है, शिव का ही है और किसी का नहीं। क्योंकि शक्ति शक्ति मती रुकता सर्वत्र भेदिता, सभी ग्रंथों में शक्ति और शक्तिमान का परस्पर अभेद ही कथन किया गया है। यहां दो नंबर तीन नंबर टिप्पण देखिए, आदो स्वशास्त्र आह उक्तम वायदी, पहले अपने शास्त्र के साथ विरोध दूर करेंगे बाकी अन्य शास्त्रों के साथ। अपने शास्त्र के साथ क्यों विरोध नहीं है? क्योंकि हमारे ही पूर्वजों ने लिखा है ग्रंथ, कालपाद नाम का ग्रंथ है, और भी अनेक इस प्रकार कालपाद आदव कह दिया, कालपाद आदि अनेकों ग्रंथों में क्या कहा वो बताएंगे। ननु कथम नानावद्र विरोध सर्वत्र भिन्न भिन्नार्थ कल्पना, आपने कैसे कह दिया नानावादों के साथ कोई विरोध नहीं है, ये सभी ने कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ अलग अलग बातें कह रहे हैं। ततश्चाह इसलिए कहा नहीं नहीं उक्तम वाइद अयम भाव, कहने का अभिप्राय क्या है? आप्त प्रणीतत्व में आगमत्व, आप्त प्रणीत का नाम आगम होता है। अन्य बात तो ऋषियों ने लिखा है, ऋषि लोगों का आप्त मानना ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन भगवान को आप्त तो सभी मानेंगे नहीं मानेंगे? ईश्वर को तो आप तो सभी को मानना पड़ेगा, ऋषियों को भले आप तो माने ना माने, जिस ऋषि के प्रति आपकी श्रद्धा है उसके वचन का भले आप तो मान लेंगे, सब ऋषियों के प्रति आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए कोई जरूरी नहीं है। उन ऋषियों की कहानी जानोगे तो कईयों को तो उसकी कहानी सुन के मन हट जाएगा, है ऐसा ऋषि था वो, उसकी क्या बात माननी फिर। कई बार ऐसे हो जाता है, एको ऋषेरिय से वचन प्रमाण, एक भी ऋषि ने जिसके वचन को प्रमाण माने जाए, ऐसे भी तो कहा है। तो ये कहते इसीलिए हम तो शिवजी के कृत सूत्रों को मानते, हम इन ऋषियों के चक्कर में नहीं पड़ते। हमारे जो आगम है ये ऋषि प्रणीत नहीं है, शिव प्रणीत है, और शिव से बढ़कर कोई आप पुरुष संसार में दूसरा नहीं हो सकता, और जो आप से प्रणीत होगा वही प्रामाणिक होगा। तच्च आदो तंत्रागमानाम साक्षात भगवत शिवम शिव भट्टारकोक्तत्व, उसे सबसे पहली बात समझ लीजिएगा, जितने भी तंत्र और आगम शास्त्र साक्षात भगवान शिव भट्टारक से युक्त है। श्रुति नाम अपि अनादित्व कथनात् अस्त्येव, श्रुतियां भी प्रमाण है क्योंकि उनको भी अनादि करके कहा गया है, अस्त्येव वो भी प्रमाण रूपण है, और उसी श्रुतियों के अधीन होकर के श्रुति के अनुकूल और अनुरूप ही लिखा हुआ इतिहास पुराण आदिशु तद अर्थावधारणाद अस्त्येव प्रमाणत्म, इतिहास पुराण आदियों में प्रमाणता मानते हैं क्योंकि वहां भी उन श्रुतियों में कहा हुआ और शिव भट्टार के शिव सूत्र में कहा हुआ शैवाद्वैत रूपी तत्वाद्वैत को ही लेकर के सभी ने वर्णन किया है, अर्थ का निश्चय किया है, इसलिए वे भी सब प्रमाण है। तस्माद् एक सेवा से जगत प्रसूति हेतु महाविभूतेर ईश्वरस्य सृष्टि स्थिति प्रलय कार्य विभाग योगाद् ब्रह्मेति विष्णुरिति रुद्रेति व्यपदेश, बड़े अलग अलग पुराण में अलग अलग नाम आ रहा है, एन है वो तत्व एक ही है, इसलिए एक सेवा एक ही अशेष जग संपूर्ण जगत का उत्पत्ति का कारण है, स्थिति का कारण है, लय का भी कारण है। महाविभूतेर ईश्वरस्य, कौन है वो? महाभू विभूति ईश्वर है, उसी का सृष्टि से प्रलय कार्य विभाग योगात, उसे तीनों कार्य करने का विभाग का योग्यता उसे में है, और उस ईश्वर को किसने नाम ब्रह्म रख दिया? वेदांतियों ने, विष्णु पुराण देखो उन नाम विष्णु रख दी, किसने रुद्र नाम रख दिया, किसने दुर्गा नाम रख दी, किसने कुछ नाम रख के नामों को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? ये कह तो रहे हैं वही एक तत्व के बारे में कह रहे हैं, उनके पीछे विष्णु का क्या स्वरूप है वो भी वो एक निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल निरंजन निर्वय वगैरह बोल देते हैं, बताओ फिर विष्णु और शिव में अंतर कहाँ हो गया? दुर्गा पराशक्ति महाशक्ति क्या क्या नाम बोलेंगे, वो कैसी है वो पराम्बा,
कहते वो भी निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्क्रिय निराकार बात आ गई हुई। जो भी मानता है अपने उस समय ग्रंथ में जो सर्वोत्तर जिसको भी नाम रख रहा है वो जो तत्व का स्वरूप क्या है, लेकिन एक ही बता रहे, अलग तो बता नहीं रहे। और सभी चार अवस्था मानते शिव है वो क्या हुआ, सांब सदाशिव हो गया, अंबा सहित हो गया, शक्ति युक्त हो गया, सगुण हो गया ना, सगुण निराकार है, निर्गुण निराकार था, फिर अंबा जुड़ गई, सांब सदाशिव मैंने माया युक्त वेदांति कहता है ये अंबा युक्त का सांब सदाशिव नाम रख दिया। फिर उसे क्या पैदा हुआ भाई, सगुण साकार सूक्ष्म मानना पड़ेगा ना, क्या पैदा हुआ सगुण साकार सूक्ष्म, गणेश जी पैदा हुए। फिर से सगुण साकार स्थूल क्या पैदा हुआ, कार्तिक पैदा हुए, कोई किसी प्रक्रिया ले रहा है। वहां पे वो थे विष्णु था, विष्णु से क्या हुआ वासुदेव से प्रद्युम्न पैदा हो गया। अब उसके सहयोगी कौन बना, लेकिन पहले संकर्षण बलराम, पहले वासुदेव, और वासुदेव क्या हो गया संकर्षण युक्त हो गया, और संकर्षण के बाद प्रद्युम्न हुआ सगुण साकार सूक्ष्म, फिर प्रद्युम्न से अनिरुद्ध हो गया सगुण साकार चतुर्वी, वो भी माना, नाम बदल रहे हैं। आग्रह तो कर रहे हैं, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे, आग्रह छोड़ो तो कहां विरोध है हमारा उन दर्शनों के साथ, नानावादों के साथ हमारा कोई विरोध नहीं है कि जिस हम तत्व विचार के तत्व का लक्षण देखिए नाम छोड़िए तो तत्व का लक्षण एक होगा। इति व्यपदेश है अन्य शांपनर अनाथ प्रणीत तत्व, जो ऐसा नहीं मानते लक्षण भी बदल दे रहे हैं, कोते निर्गुण निराकार ब्रह्म क्षणिक कह दिया, लो बौद्ध वो निर्गुण है निराकार है क्षणिक, वो सब फिर भी वो नित्य नहीं क्षणिक है। ऐसे जो निर्गुण निराकार तत्व को भी क्षणिक कहने की बुद्धि रखने वाला जो मूर्ख है उसको तो आप प्रामाणिक मन के छोड़ दो, उसका विरोध क्या कहूं मैं, वो तो बता ही रहा पर खुद ही अपनी बात चल फंस रहा विरुद्ध बात कह रहा है। एक तो निर्गुण कह रहा है, फिर क्षणिक कौन होगा भाई, जो क्षणिक होगा भ्रम होगा तो भ्रम निरधिष्ठान कैसे हो जाएगा, इनका जवाब उसे जब है ही नहीं ऐसे को आप क्या मानना। इसे कहते पुनर अनाथ प्रणीत न प्रामाण्य, उनको प्रमाणी नहीं मत मान, तदेत त्रिधैव आगम प्रामाण्यम संवाद संवाद यदि, इसलिए तीन प्रकार से ही आगम प्रमाण को यहां पर हम बताने के लिए उत्तम व इत्यादि से शुरू किया। तीन प्रमाण कौन है, पहला प्रमाण अपने आचार्यों का जो कि कालपाद आदि ग्रंथ खेतपाल आदि गुरु, ये पहला ले रहे हैं। फिर दूसरा है आगे श्लोक में आएगा श्रुति, वेद को लेंगे श्रुति प्रमाण, फिर इतिहास पुराण, तीन, पहले स्व अन्य आचार्य लोग जो कहे हैं शिव सूत्र पर आधारित होकर बनाए हुए जितने भी ग्रंथ हैं वो अपना हो गया आगम, फिर उस आगम श्रुति अविरुद्ध इसे श्रुति प्रमाण देंगे, फिर श्रुति पर आधारित पुराणे भी जितने भी इतिहास और पुराण ग्रंथ महाभारत और वगैरह भी वो भी हमारे अद्वैतवाद तत्व से विरोध नहीं है। इसके लिए तीनों प्रकार के प्रमाणों का संवाद यहाँ पर दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले स्वजनों का, अपने गुरुजनों का दे रहे हैं, कल्प इत्यादि अवतरण हो गया। तीन नंबर टिप्पण था गुरुरुता तदैक्यम, गुरुता मने या पूरी जोर लगा कर के भारी पने से दृढ़ता के साथ कह रहे, कौन गंवार लोग भी ग्वाल बालिकाएं भी दृढ़ता पूर्वक कहती हैं क्या, शिव एक अद्वितीय है भाई तदैक्यम इत्यादि, गुरुत्व आह तदैक्यम इत्यादि, गुरुत्व या गुरुत्व गुरुत्व
पूर जोर के साथ, पूरी विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ ये कहते हैं कि एक वित ईश्वर, ईश्वर एक है, अनेक कोई नहीं मानने को। देवदानी हो सकता है लेकिन ईश्वर एक है। 33 करोड़ हो सकते हैं देवताएं, और देवता अनेक रूप में हमारे घर में फोटो तुम देख सकते हो, लेकिन हम एक मानते ईश्वर तो एक ही है, अनेक ईश्वर नहीं। ये सब अनेक देवता है, 50 फोटो लगा हुआ है, 50 मूर्तियां हैं, ये सब देवता लोग हैं। वह ईश्वर ही विशेष शक्ति वाला देव भाव में दिख रहा है, जैसे वह ईश्वर मुझ जीव रूप में दिख रहा है, ऐसे वह ईश्वर तो एक ही। ऐसे गंवार लोग भी, ग्वाल बालिकाएं भी कहती हैं। 4 नंबर ही अभेदा सर्वेशा मात्र विरोधम बाहा। सभी आचार्यों के ग्रंथों में देखिए एक बात का विरोध स्पष्ट है, क्या है? सर्वम शिवम, शिव शक्ति अभेद। ये बात जो है सभी आचार्यों के ग्रंथों में समान रूप में प्रतिपादित है। प्रतिपादन की प्रक्रिया और दृष्टांत अलग अलग भले ही हो सकते हैं, लेकिन प्रतिपादित पदार्थ यही होगा, शैवाद्वैत शिव शक्ति अभेद। एको रुद्रेति इत्यादि श्रुता उक्तं तथा परः पुरुष सर्वमेवेदम् इतिहासादिशूदितम् महेशस्याष्टमूर्तित्वं यावत् पार्थिव मूढता स्वरोदिति वेदे अस्ति नार्थवादो निरर्थकः। विध्यंगत्वेन चेत् सत्या नासत्यस्यांगता स्थिता अर्थवादादपि फलं रात्रिकर्तुषु दर्शितम्। कतेको रुद्र अवतस्थे न वै द्वितीय कश्चन। अगले पन्ने का पहला पंक्ति एक नंबर टिप्पणी, पूरा मंत्र दिया है, देखिए अगले पन्ने पहले पंक्ति एक नंबर टिप्पणी है ना, यहाँ उसमें स्पष्ट दिया है एको रुद्र का, वहीं भी एक रुद्र के पन्ने, पहले के पन्ने का पहला ही शब्द आया है इसी मंत्र को व्याख्या करते हुए, इसलिए पूरा मंत्र वहां दिया। एको रुद्रो अवतस्थे नवै द्वितीयो कश्चन, एक ही रुद्र सदा है, कोई दूसरा है ही नहीं, स्पष्ट कर रहा है। इत्यादि श्रुतो उक्तम, इत्यादि श्रुत स्पष्ट का है, तथा पर यानी एक ही वेद का मंत्र है क्या, और कोई मंत्र नहीं है? कहते और भी सैकड़ों हैं, चलो सुन लो दूसरी एक और मंत्र भी, तथा पर मैंने तथा, ठीक उस दूसरी और श्रुति क्या है, पर पुरुष सर्वमेव इदम्, पर पुरुष परमात्मा ही ये सब कुछ छोड़ रखा है। ऐसे कौन कहां कहा, ये पुरुष सूक्त का है, पुरुष सूक्त का मंत्र है पुरुषेव इदम सर्वम यद भूतम यद च भव्यम। अगले प्रश्न में ये देखिए, पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यद च भव्यम सहस्र सिर का पुरक सहस्र अक्ष सहस्र पाद, नहीं इसी में आगे क्या बोल रहे हैं, ये मंत्र है पुरुष एव इदम सर्वम, पुरुष ही सब कुछ और रखा है, जो जो भूत भव्य भविष्य सब कुछ वही पुरुषोक्त भी कहता है। इतना ही नहीं, पुराणों में एक आया शिव महिमा स्तोत्र नाम का एक स्तोत्र आया, उसके 26वें श्लोक में भी बात कहा है पुरुषोक्त के अलावा, देखिए क्या कह रहे हैं, महेशस्य अष्टमूर्तित्वम, आगे 3 नंबर टिप्पण में दिया श्लोक भी, तुमर कस्तम सोमस्तमसि पवनस्तम धवस तमापस्तम व्योम तमुधर निरात्मा तमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रद गिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिहतु यत्तम न भवसि। महेश्वर स्तोत्र में अष्टमूर्ति रूप में भी कहा उसको, और ये भी कह रहा है आगे, ऐसा कोई कण भी नहीं देख रहा जो शिव नहीं है, ऐसा कोई तत्व भी मुझे नहीं दिख रहा जो शिव नहीं है, सब कोई शिव है। एक तरफ अष्टमूर्ति रूपण भी कथन कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोई मूर्ति नहीं भी कह रहे हैं, एक तरफ पृथ्वी तक जड़ता भी वर्णन कर दिया, दूसरे पूर्ण क्षेत्रता भी वर्णन कर रहे हैं, एक ही श्लोक में दोनों बात की। तीसरी पंक्ति में क्या कर रहे देखो, परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रत गिरम, दुनिया में लोग आपको इस प्रकार से परिच्छिन्न है या
अष्टमूर्ति रूप धारण किए हुए हो आप, ऐसे भले ही लोग कहें गिरम विभ्रतु, परिणताम गिरम विभ्रत, अपने परिणामी पर वाणी के द्वारा ऐसा भले बोलते रहे लोग, लेकिन मैं क्या मानता हूं, न विद्मस्तत्त्वम, ऐसा कोई तत्व नहीं जानता मैं, वयम यह इस संसार में तू यत्तम न भवसी, जो तुम नहीं हो, साफ कहते रहे। इस स्पष्ट दिख रहा है जो कुछ भी साकार है वो भी शिव ही है, जो कुछ निराकार है वो भी शिव ही है। साकार आभास मात्र ही है, निराकार पारमार्थिक सत्य, यही वेदांत कहता है। और ये कहते साकार भी शिव ही है, वो भी सत्य, निराकार भी शिव है वो भी सत्य, जगत भी सत्य, हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्नतनो, अत जगत भी सत्य बोलते हैं, यही आग गड़बड़ होता है, वेदांत से अलग होना पड़ता है थोड़ा सा। अद्वितीय कह दिया ना, फिर दूसरा सत्य कैसे माना, सत्य जगत को सत्य मान रहा है, इसलिए कहते दूसरा मानते नहीं जगत को, शिव ही जगत हो गया, जगत रूपण दी करा है, शिव ही जब जगत रूपेण भाषित हो रहा है तो जगत सत्य है। और हम कहते ब्रह्म ही जब जगत रूपेण भाषित हो रहा है का मतलब क्या, हो जगत मिथ्या है, ये नहीं मानते, शिव ही शिव होने से जगदांश नाम रूप मिथ्या, ये नहीं मानते, वो नाम रूप भी शिव ही तो है, भेद भी शिव ही तो, वैचित्रता भी शिव ही तो है, ये तो कहा अभी अभी वैचित्र तो शिव ही है। ये उपासना के लिए थी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, इतना जला शांत उपासना। ये उपनिषदों में सर्वम ब्रह्म कहा भी है, नहीं कहा ऐसी बात नहीं है, पुरुषे वेदम सर्वम पुरुषुक्त भी है, लेकिन ये सब उपासना के लिए कही थी। पारमार्थ दृष्टिया जगत पैदा ही नहीं हुआ, उसके लिए मंत्र बता दो, एक में अद्वितीय का तात्पर्य है जगत पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए सो आरोधित, ऐसा भी है रुद्र का जो व्युत्पत्ति किया है, रुद्र शब्द का व्युत्पत्ति स्वयं वेदों ने किया, व्याकरण से जो कर रहे हैं वो छोड़ो, कौन धातु कौन प्रत्यय, लेकिन वेदों ने स्वयं किया, सो आरोधित यद आरोधित तस्य तद रुद्रस्य रुद्रत्वम्, नीचे दिया है यो सो अरोदित यदस्य रुद्रस्य रुद्रत्वम् इति, चार नंबर टिप्पणी अगले प्रश्न में पूरा मंत्र दिया। इति वेदे अस्ति, ऐसे वेदों में अनेक मंत्र हैं जो शैवाद्वैत कुछ न कर, पूर्व पक्षी कह दिया तब, अरे ऐसा अर्थवाद है, झूठी प्रशंसा है शिव तत्व का, ऐसे कुछ नहीं सच्चाई, तब सिद्धांत है अर्थवादो न निरर्थक सिद्धांत, अर्थवाद इतना ही पूर्व पक्ष है, पूर्व पक्ष अर्थवाद है, सिद्धांत झट खंडन कर दिया, न ऐसा नहीं कह सकते हो, क्यों, वेद का एक भी शब्द निरर्थक नहीं हो सकता, कैसे अर्थवाद को अर्थवाद होने मात्र से निरर्थक कह देते हो, अर्थवाद निरर्थक नहीं हो सकता। तब पूर्व पक्षी कहा हुआ ठीक है, हम भी अर्थवाद को ऐसा सीधे निरर्थक नहीं कह रहे हैं, साक्षात प्रामाण्यता उस समय यह कहते हैं, विधि के साथ जुड़ के उसे प्रामाण्यता आती है, विधि को छोड़ के केवल अर्थवाद को हम प्रमाण नहीं मानते, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। विद्यंगत्य ने चेत सत्या, सत्या बननी चाहिए, इसको सत्ता हो गया है उसको सत्या बनाओ, विधि का अंग मानने पर यदि तुम अर्थवाद को सत्य मानते हो, अंग होने मात्र से कोई चीज सत्य कैसे हो जाएगा, यदि वस्तु असत्य है वह किसी का अंग करने मात्र से सत्य नहीं हो जाएगा। जैसे आजकल बहुत सुंदर दृष्टांत है इसमें,
सिद्धांत के लिए, आपके अंदर स्टील का रॉड डाल दिया, हड्डी टूट गई, स्टील का रॉड डाल दिया, स्टील का रॉड डालने मात्र क्या वो रॉड हड्डी हो जाएगा? क्या हड्डी में जैसी चेतनता है क्या उस स्टील के रॉड में भी चेतनता आ जाएगी? कभी नहीं, क्योंकि जो अचेतन है, जो जड़ है, वो किसी का भी अंग बना दो तो भी वह चेतन नहीं हो सकता। ये जो असत्य है तो असत्य ही रहेगा, वो किसी अंग होने मात्र से वो सत्य कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जब आप मीमांसक लोग विधि के अंगत्व जुड़ने मात्र से यदि अर्थवाद को सत्य मानते हो तो पहले भी वो सत्य मानना ही पड़ेगा, स्वतंत्र रूप में भी। विधि से जुड़ा हुआ जब नहीं है तब भी अर्थवाद वाक्य को सत्य मानना पड़ेगा। जब विधि से जुड़ा हुआ नहीं है तब असत्य है कहोगे, फिर बाद में से जुड़ने मात्र से सत्यता आ जाएगी, ये कभी नहीं हो सकता। जो असत्य है वह कभी सत्य नहीं होता, जो सत्य है कभी वह असत्य नहीं हो सकता। इसलिए अर्थवाद को भी विधि वाक्यों के समान सदा सत्य प्रामाणिक वाक्य मानना पड़ेगा, चाहे विधि से जुड़े चाहे न जुड़े, दोनों ही दशाओं में उसको प्रामाणिक और नित्य सत्य वाक्य मानना ही चाहिए। अर्थवादादपि फलम, और अर्थवाद से भी फल का कथन हुआ है, कहां? रात्रि कृत एक न्याय है, उसे मीमांसक दर्शन आप स्वयं दर्शाए हैं, ऐसे उनकी दृष्टांत से उनको समझाएंगे।